नमस्कार नेपाली मित्रों। तो दोस्तों आज आपको खूब मजा आया होगा मैच देखने में, और दोस्तों सही बात बोले तो हमें भी खूब मजा आया। एक बार लगा था कि कहीं नेपाल हार ना जाए इस मैच को, लेकिन नेपाल आराम से इस मैच को जीत गया। और सबसे बड़ी भूमिका निभाई रोहित पौडेल ने आज बहुत विस्फोटक पारी खेली। केवल 54 बॉल में 112 रन बनाए, 54 बॉल में 112 रन, कितना हुआ लगभग 210 का स्ट्राइक रेट, 208 निकालना पड़ेगा अभी देखना पड़ेगा, 210 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 112 रन बना डाले और नेपाल वेस्टइंडीज को हरा दिया। देखिए दोस्तों सही बात कहें, क्रिकेट में मजा तभी आता है जब विपक्षी टीम ज्यादा स्कोर करती है और उसका पीछा करते करते हमारी पसंद की टीम जीतती है, तभी क्रिकेट में ज्यादा मजा आता है। और वेस्टइंडीज की टीम ने 204 रन बनाए, कह सकते हैं एक बढ़िया स्कोर बनाया वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर। जवाब में नेपाल ने 19.2 ओवरों में ही मैच को जीत लिया 6 विकेट के नुकसान पर। अब अनिल शाह ने 5 रन बनाए 9 बॉल में, बेकार बैटिंग की अनिल शाह ने। कुशल गुर्तेल 12 बॉल में 16 रन, इन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं किया, ठीक है। रोहित पौडेल 54 बॉल में 112 रन, 207 की स्ट्राइक रेट, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट रही दोस्तों। और इन्होंने रोहित पौडेल ने 6 छक्के लगाए, 10 चौके लगाए, यानी गजब की पारी कह सकते हैं। कुशल मल कुछ कमाल नहीं कर पाए, 16 रन बनाए। दीपेंद्र एरी 18 बॉल में 24 रन बनाए। विवेक यादव 7 रन बनाए। दोस्तों मुझे लग रहा है कि विवेक यादव की जगह संदीप जोरा को लाना चाहिए था, क्योंकि संदीप जोरा कभी कभी बड़ा तेज खेलता है, और आज एक समय ऐसा लग रहा था कि संदीप जोरा होना चाहिए था इस मैच में। कहने का मतलब है कि संदीप जोरा, मुझे ऐसा लगता है कि विवेक यादव से बढ़िया संदीप जोरा बैटिंग करता है, तो इस मैच में संदीप जोरा को होना चाहिए था। गुलशन झा जो है वो 9 रन बनाए, प्रतीश जैसी 5 रन बनाए, एक्स्ट्रा 12 रन मिले, ठीक है। और तब इनका नेपाल का स्कोर हुआ 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर और 19.4 ओवरों में। देखिए चलिए जो भी हुआ, लेकिन मैच जो आज का था बहुत ज्यादा रोमांचकारी मैच था, यानी दिल की धड़कन बढ़ाने वाला मैच इसे कहते हैं, इतना जबरदस्त मैच था। और वेस्टइंडीज की टीम 204 रन बनाई। कमल एरी जो है इन्होंने 3 ओवर में 53 रन दे दिए, 18 बॉल में 53 रन दिए, हालांकि इन्होंने विकेट 3 लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने 17.5 की इकोनॉमी से रन दिए, यानी बहुत बेकार बॉलिंग से कहते हैं। नहीं तो अगर 3 ओवर में 53 रन नहीं जाते तो 204 का लक्ष्य भी नहीं मिलता, उससे कम ही बना पाती वेस्टइंडीज की टीम। और वेस्टइंडीज की तरफ से अथानजे इसने बनाए 47 रन, ठीक है, और रोस्ट ने इन्होंने बनाए 74 रन 46 बॉल में, इन्होंने भी बढ़िया खेला, ठीक। क्रेटी ने 26 बॉल में 38 रन बनाए, इन्होंने भी लगभग ठीक ही खेला। कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज ने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन अब नेपाल ने उसे हरा दिया, नेपाल ने उससे ज्यादा अच्छा खेल दिया। और मैच जीतने में सबसे बड़ी भूमिका है रोहित पौडेल की, अगर उनका शतक नहीं लगता तो ये मैच हो सकता था कहीं नेपाल हार जाता, वो जो शतक लग गया उसी की बदौलत नेपाल इस मैच को जीत गया। कम से कम एक न एक प्लेयर चलना जरूरी है, अगर एक प्लेयर ढंग से चल गया तो कोई भी मैच जीता जा सकता है। एक बात समझ में जरूर आई कि जरूरत पड़ने पे रोहित पौडेल खेल सकते हैं, ठीक है, माने कि इमरजेंसी में रोहित पौडेल के पास ताकत है अकेले अपने दम पे मैच जिताने की। मैं कभी कभी बोलता था कि रोहित का स्कोर अच्छा नहीं है, रोहित को तो टीम में ही नहीं रखना चाहिए, कई बार मैंने खुद बोला है, लेकिन जो आज की मैंने पारी देखी तब अंदाजा लगा कि हाँ भाई रोहित पौडेल खेल सकता है। धन्यवाद, और आप लोग तो खुश हैं, हम भी काफी खुश हैं इस मैच को जीतने से।